हड़ताली हो जाए जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे जो है भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच, उनकी कटिबद्धता और देश के प्रति समर्पण की भाव जो है आज या संपूर्ण क्षेत्रों में जो उनका एक मंत्र है वोकल फॉर लोकल, उसको प्राथमिकता देते हुए कई स्टेशनों पर जो इस प्रकार की रेल कोच जो है रेस्टोरेंट की व्यवस्थाएं की गई है। हमारे यहाँ जंगल से लेके पहाड़ से लेके चाय बगान से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे पर्यटक जो है माने हमेशा चाहते हैं इस क्षेत्र में भ्रमण करना। तो यहाँ रेलवे ने उन सभी जो है विषयों को देखते हुए रेल मंत्रालय की ओर से जिस प्रकार के जो है रेस्टोरेंट कोच रेस्टोरेंट्स की व्यवस्थाएं की है या पर्यटकों को जो है एक आकर्षक का एक केंद्र बनता है और बना हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री की दुरावस्था राजा भत को आते एक যেটা ছয় মাস আগেই আমরা অনেকবার গিয়ে ওইখানে আমাদের আলিপুরদুয়ারের কত লোক যে ওইখানে আনন্দ করেছে, রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করেছে, আমরা জানি সেটা কত আগে সেটা ওপেনিং হয়েছে। আবার সেই ওপেনিং হওয়ার জিনিসকে ছয় মাস পরে প্রধানমন্ত্রী, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি ওপেনিং করছে, তো এটা একটা দেখাইতে হবে। একটা প্রচারের যে বিষয় আছে আত্মপ্রচার, সেটা এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একদম অনেক আমি মনে করছি বেশি হয়ে গেছে। আর আলিপুরদুয়ারের মানুষ তো হাসতেছে এটা দেখে। ओपनिंग अलग चीज़ है और एक नेशन का को डेडिकेट करना अलग चीज़ है। जो आज कंट्रोल सेंटर में मोदी जी थे वो भी एक महीने से ट्रेन चल रही है ट्रायल के रूप में उसके ऊपर, तो उसमें जो भी आज मोदी जी ने किया है नेशन को डेडिकेट किए हैं लगभग 35 से 40 जो रेज कोच रेस्टोरेंट हैं। और कई बार आप देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर आरओ भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि बन गया चीज़ें रुकी जाए, मंत्री जी के पास टाइम नहीं है या कुछ इशू होता है उस समय, तो फॉर्मल इनॉग्रेशन होने में 2-4-6 महीने का 8 महीने का अंतर हो जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें।